CSIR UGC द्वारा 16 जून को संचालित की गई गणित विषय की परीक्षा को M&M संस्थान हमीरपुर की छात्रा ने उत्तीर्ण कर सफलता का नया आयाम स्थापित किया है। शालू ने अपनी सफलता का श्रेय संस्थान के निदेशक व स्टाफ को दिया है, जिनके मार्गदर्शन में उन्होंने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। संस्थान से गणित विषय में नेट पास छात्रा शालू ने बताया कि यहां पर पिन पॉइंट तैयारी करवाई जाती है, जो कि रिसर्च बेस्ड होती है। संस्थान में बहुत ही कम समय में सही मार्गदर्शन मिलने से अभ्यर्थियों को उनकी मंजिल मिल रही है। उन्होंने बताया कि संस्थान द्वारा गणित नेट के लिए उपयुक्त किताबें व लर्निंग मटेरियल दिया जाता है, जो कि अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो रहा है, तथा बहुत कम समय में उचित मार्गदर्शन मिलने से अभ्यर्थी अपनी मंजिल हासिल कर रहे हैं। आपको बता दें कि संस्थान ने पिछले काफी सालों से छात्रों को गणित विषय में ना केवल अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दी हैं, अपितु गणित जैसे कठिन विषय में नेट पास करवाकर संस्थान का लोहा भी मनवाया है। संस्थान में टेट TGT गणित MSc कोर्स के अलावा गणित में सेट नेट की कोचिंग दी जाती है, जिससे इस विषय के प्रत्येक पहलू की बारीकियों को बेहतर ढंग से समझाया जाता है। संस्थान के संस्थापक एवं निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि M&M संस्थान हमीरपुर में MSc मैथ की कोचिंग के साथ साथ इस विषय की प्रतियोगी परीक्षाओं की भी सटीक तैयारी करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि छात्र यहां पर आने के बाद निश्चित तौर पर अपनी ड्रीम जॉब को हासिल करने में सक्षम बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये इस संस्थान के अथक प्रयास ही हैं, जो गणित जैसे जटिल विषय में छात्र नेट पास कर अपना उज्ज्वल भविष्य बना रहे हैं। हमीरपुर के गांधी चौक के समीप मोबाइल दुकानदार को हर वक्त अपनी जान जोखिम में डालकर काम करना पड़ता है, क्योंकि दुकान बरसात के मौसम में हर वक्त दुकान के ऊपर पानी गिरने से दुकान में दरारें पड़ चुकी हैं। हालांकि मोबाइल दुकानदार दलजीत परिहार ने इस बाबत दर्जनों बार नगर परिषद को सूचित किया है, लेकिन नगर परिषद ने आज 3 साल बीतने के बाद भी केवल नोटिस देकर ही अपना पल्ला झाड़ा है, जिससे ये समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। अब थक हार कर परिहार ने इसकी शिकायत हमीरपुर पुलिस थाना में की है। बता दें कि गांधी चौक पर मोबाइल दुकानदार दलजीत परिहार काफी सालों से दुकानदारी करता है, लेकिन दुकान के साथ लगते भवन के द्वारा पानी की डाउन पाइप ना लगाकर पानी को सीधे दुकान के छत पर गिराया जाता है, जिस कारण जरा सी बारिश होने के बाद छत पर जमा पानी दिन भर दुकान के ऊपर से टपकता रहता है। इसी के चलते दिन भर दुकानदारी भी प्रभावित होती है, तो ग्राहक भी दुकान में आने से परहेज करते हैं। परेशान दलजीत परिहार ने इस बारे में कई बार नगर परिषद से शिकायत की है, लेकिन समस्या का कोई हल नहीं हुआ है। इसी कारण पुलिस में भी दलजीत परिहार ने इसकी शिकायत की थी और पुलिस ने भी मौके पर आकर समस्या को जल्द सुलझाने के लिए पड़ोसी दुकानदार से बातचीत की है। दलजीत परिहार ने बताया कि कई सालों से दुकान के ऊपर पानी गिराए जाने की समस्या बनी है और इस समस्या का हल नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि इस बारे में अब पुलिस को शिकायत दी है और उम्मीद है कि पुलिस इस समस्या का हल करवाएगी। जिला कांगड़ा के नूरपुर उपमंडल के तहत लदोड़ी पंचायत में जब्बर खड्ड पर भूस्खलन के कारण बड़े बांध में होने वाले नुकसान पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। स्थानीय प्रशासन और NDRF के सहयोग से बांध के पानी की निकासी के लिए वैकल्पिक मार्ग तैयार कर दिया गया है, जिससे बांध टूटने के उपरांत बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। DC कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति एवं SDM नूरपुर डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने मौके पर जाकर प्रभावित लोगों से बातचीत की है और स्थिति का जायजा लिया है। बांध के लिए पानी के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाए जाने के उपरांत स्थानीय लोगों ने भी राहत की सांस ली है। ये जो ग्राम पंचायत टनी है, यहाँ पर पिछले 2 दिनों से लैंडस्लाइड चली हुई थी, जिसकी वजह से एक डैम सा बन गया है और पीछे 1 किलोमीटर लंबा रिजर्वायर हो गया है, आर्टिफिशियल रिजर्वायर बन गया है, और इसकी निकासी के लिए कल अलग अलग डिपार्टमेंट से बात की गई, खास करके PDFB चमेरा प्रोजेक्ट NHPC के लोगों से, और अभी मौके पर NDRF की टीम है और कोशिश की जा रही है कि एक तरीके से पानी को बाहर निकाला जाए,
ताकि जो पानी का जमावट है, जो जमघट है, उसको रोका जा सके। और यहाँ पे जो फैमिलीज हैं इनको यहाँ से बाहर निकाला गया है, और जो नीचे डाउन स्ट्रीम में लोग हैं उनको भी एक हिदायत दी गई है कि इस स्ट्रीम से दूर रहें, क्योंकि अगर बांध अचानक से टूटता है तो ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस हैं।